हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइस, जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके, हाउ आई गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्विकली एंड एवरी सिंगल डे, कैसे हम अपने क्लाइंट के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट बेस बिल्ड करने में कैसे हम हेल्प करते हैं। गाइज, यू नो, आज के डेट पे अगर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, यू नो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंपनी से, आईटी कंपनी से, यू नो लॉट ऑफ कंपनी जो जिनका यू नो टारगेट मार्केट ग्लोबल है, ठीक है, और वो टारगेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है जो इंटरनेशनल क्लाइंट को सेल करना चाहते हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स लोगों का मेल आता है, बहुत सारे यू नो परफॉर्मेंस मार्केटर्स का फोन आता है, बहुत सारे एसईओ करने वाले एजेंसीज का फोन आता है, मेल आता है, एंड दे वॉन्ट टू नो कि हाउ शुड आई गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। यू नो हमारे अकेडमी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी यू नो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 6 करोड़ तक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो स्केल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, रीजनल लेवल से ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक लेना चाहते हैं। सो इस पे फंडा क्या है? गाइस, फंडा को समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्लाइंट अक्वायर करने के पीछे के मिथ्स क्या, मिथ क्या है, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोचते हो कि इंटरनेशनल क्लाइंट को अगर हमें क्रैक करना है, देन यू नो आई विल स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग एंड आई स्टार्ट कोल्ड मैसेजिंग, आई विल स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सर्विस सेलिंग में हो ना, जो आगे वाला जो हमारा कस्टमर या तो क्लाइंट होता है ना, आपको उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कोई ऐसा B2C कोई लो टिकट आइटम तो सेल कर नहीं रहे, वी आर नॉट सेलिंग यू नो एनी फिटनेस गैजेट, या हम लोग कोई ऐसे ट्रेडमिल या कोई ऐसा यू नो हेल्थ सप्लीमेंट तो हम सेल नहीं कर रहे हैं कि यू नो आपने कॉल किया, यू नो कस्टमर कॉल किया, 2-3 दिन फॉलो अप किया, एक ऑफर दिया, 2-3 दिन में क्लोज कर दिए। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो कोई DSLR मोबाइल तो खरीद नहीं रहे हैं कि वो यार इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। सर्विस सेलिंग यानी लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, या लेट से आप कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रमोट कर रहे हो, या आपका खुद का कोई कस्टम बिल्ट प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का सर्विस है, वेब डेवलपमेंट कंपनी हो, या आप एडवर्टाइजमेंट के सर्विसेज हैं आपके, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन होगा ना, आपका जो क्लाइंट डिसीजन लेगा, ये उनके लिए कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होने वाला, राइट? ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। और आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब भी आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हो, डोमेस्टिक क्लाइंट हो, अगर आप कोई हाई टिकट क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, आपको उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। मतलब यार, अपने मनी मेकिंग मॉडल को तो समझो, प्लस क्लाइंट के भी मनी मेकिंग मॉडल को समझो, क्लाइंट के भी डिसीजन अप्रूवल चेन को आपको समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का अगर कोई सर्विस पिच कर रहे हो, राइट, या लेट से एडवर्टाइजमेंट लीड जनरेशन का सर्विस कोई पिच कर रहे हो, आप एज अ वेंडर अपने आपको, वेंडर या तो कंसल्टेंट या तो एजेंसी अपने आपको यू नो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको ऑनबोर्ड लेने से पहले ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होने वाला है उनके लिए। क्योंकि वंस दे साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, या एक बार आप उनके साथ ऑनबोर्ड चले गए, या आपके साथ एक बार वो अपना डेवलपमेंट या प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया ना, यू इट विल बी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ये उनके एंड पे क्रिटिकल, बिजनेस क्रिटिकल डिसीजन है। सो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक यू नो सेल्स हेड, मे बी मार्केटिंग लीड, समटाइम्स वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, समटाइम्स मार्केटिंग डायरेक्टर, समटाइम्स CEO ऑल्सो गेट एंगेज्ड। क्योंकि जो वेबसाइट होता है या लीड जनरेशन सिस्टम्स होते हैं ना, जो आपके सर्विसेज हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालने वाला है उनके बिजनेस के अंदर, ये आपके उनके बिजनेस के अंदर एक स्ट्रांग वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करने वाला है। तो डिसीजन इज नॉट ईजी। जब भी कोई आप किसी के साथ पहली बार टच बेस बनाते हो सकता है वो डिसीजन मेकर ना हो। लेट से आप कोल्ड कॉलिंग, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम कोल्ड कॉल कर रहे हैं, कोल्ड मेल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं मिल रहा है। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल मार्केट अगर आप हिट करना है ना, ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। कोल्ड ईमेल करो, लेकिन कोल्ड ईमेल क्यों करोगे? टू क्वालिफाई योर लिस्ट। गाइज, आज के डेट पे यू नो अगर मैं बात करूँ, DNB है, जूम इन्फो है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से ना आप क्रेडिबल डेटाबेस आप बिल्ड कर सकते हो अपने टारगेट कस्टमर बेस का, या अपने टारगेट ज्योग्राफी के अंदर जो भी की डिसीजन मेकर्स हैं। लेकिन आपका जो पहला कोल्ड ईमेल जाएगा ना, दिस इज नॉट फॉर सेल्स, आपका जो पहला कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज जाएगा, इट विल बी द डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स।
आपका जो कोल्ड ईमेल जाएगा दैट कैन बी अ कॉल टू एक्शन फॉर अ नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन या नेक्स्ट लेवल सेमिनार या नेक्स्ट लेवल यू नो ऑफरिंग देम ए फ्री ट्रायल ऑफ योर सर्विस और ऑफरिंग देम ए 1-to-1 फ्री स्ट्रेटेजिक कॉल। तो पहले मीटिंग में कभी भी क्लोज नहीं होगा, कभी कभी एक प्रोजेक्ट को क्लोज होने में 30 दिन लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं, कहीं 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप जिस किसी को भी रीच आउट कर रहे हो ऑन मेल या ऑन कॉल, मोस्ट ऑफ द टाइम जिस किसी को भी आप रीच आउट कर रहे हो ऑन कॉल वो उनका बोर्ड लाइन नंबर होगा, तो आपको उनको कॉल में यही पूछना है कि आर यू द राइट पर्सन और इफ नॉट देन प्लीज यू नो ट्रांसफर द कॉल टू द राइट पर्सन। तो आपको ना राइट पर्सन के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप कोल्ड मैसेज भी कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका टारगेट अकाउंट के अंदर या तो टारगेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट आप 10 से 12 की डिसीजन मेकर को आप मैसेज करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यार आपका जो भी सर्विस है उनके ऑर्गेनाइजेशन में किसके रिक्वायरमेंट के साथ फिट बैठता है। तो आपको मल्टीपल लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, यू नेवर नो कि उनमें से कौन सा इन्फ्लुएंसर हो सकता है, हो सकता है उनमें से कोई इनिशिएटर हो सकता है बायर अलग हो, कंज्यूमर अलग हो, क्योंकि एक बाइंग जर्नी प्रोसेस में ना मल्टीपल पीपल प्ले डिफरेंट रोल। हो सकता है एक इनिशिएटर हो, राइट, इनिशिएटर जो कि आपके सर्विसेज को समझेगा और ये समझ में आएगा कि यार आपके सर्विसेज मेरे बिजनेस में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो आगे जाके डिसीजन मेकर से डिस्कशन करेगा। सो देयर आर मल्टीपल पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल गाइस। तो कोल्ड कॉलिंग जो मिथ है ना, कोल्ड ईमेलिंग बहुत बड़ा मिथ है कि इससे आपको सेल्स मिलेगा, बट हाउ टू गेट सेल्स, कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज करें, कैसे अट्रैक्ट करें, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल कॉन्टेंट एंड पब्लिश देम वेर एवर योर क्लाइंट्स आर स्पेंडिंग टाइम। मतलब आपको ऐसे वैल्यूएबल बिजनेस क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, और आपके कस्टमर्स जहां भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड यू हैव टू पब्लिश दोस कॉन्टेंट इन फ्रंट ऑफ देम। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एडवर्टाइजर हो और आप मेडिकल वेलनेस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, सो यू हैव टू क्रिएट यूजफुल कॉन्टेंट कि एक मेडिकल या तो एक फार्मा मैन्युफैक्चरर किस तरह से गूगल पे अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर कर सकता है टू रन एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या कॉम्प्लायंसेस होते हैं, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है एक यू नो मेडिकल मैन्युफैक्चरर को एड चलाने के लिए, एक मेडिकल रिटेलर किस तरह से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, उनका कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरह से हो सकता है। यू हैव टू स्टार्ट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट योर कस्टमर इज आस्किंग ऑनलाइन। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, उन सारे लिस्ट का आपको आंसर डेवलप करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू स्टार्ट पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टार्ट पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवर्टाइजर हो तो आप एक रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो द ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द फार्मा इंडस्ट्री करके, आप सोशल मीडिया पे आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कोई सीरियस बायर है दैट फेलो विल रीच आउट टू यू टू डाउनलोड दैट रिपोर्ट। आप एक केस स्टडी बिल्ड कर सकते हो, हे चेकआउट एक्स वाई जी मेडिकल वेलनेस कंपनी ग्रीव देयर सेल्स बाई 30% बाई यूजिंग आवर लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। तो आप केस स्टडी प्रमोट कर सकते हो, आप व्हाइट पेपर बिल्ड कर सकते हो, स्टेप बाई स्टेप गाइड फॉर डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो देयर सेल्स इन कमिंग 30 डेज, आप चीट शीट्स बना सकते हो। तो आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट डेवलप करना, क्योंकि जब आगे वाला बंदा, आपको पता है उनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने वाला है, वो डिसीजन लेने के लिए 4 लोगों से एडवाइस लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब आपको ये क्लैरिटी है ना, आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब वो डिसीजन ले रहे होंगे उनको एम्पल ऑफ कॉन्टेंट चाहिए, आपको वैलिडेट करने के लिए एम्पल ऑफ कॉन्टेंट चाहिए, आपको यू नो सेलेक्ट करने के लिए, कंसिडर करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्टेंट मार्केटिंग इज द की, कॉन्टेंट मार्केटिंग इज द की राइट नाउ। अगर आपके पास बजट है तो आप ये कॉन्टेंट को बूस्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन पुश डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द डिसीजन मेकर, की डिसीजन मेकर्स को आप डायरेक्टली पुश आउट कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्विस है, केस स्टडी है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। लेट से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसको अपने कंपनी के लिए कॉन्टेंट मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, तो अगर वो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, सारे परचेज ना, एवरी परचेज बिगिंस विद अ रिसर्च हमारे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, और रिसर्च कहाँ पे स्टार्ट होता है, रिसर्च बिगिन होता है फ्रॉम गूगल। अगर आपका एक व्हाइट पेपर या तो एक रिपोर्ट अगर रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर या एक ब्लॉग रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर, ट्रस्ट मी गाइस, यू आर ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ योर विजिटर्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बाइंग जर्नी, राइट। तो क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के डेट पे पता है गाइस क्या होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो हमारे सर्विस इंडस्ट्री में है उनके लिए एक बहुत बड़ा माइंडसेट गैप, एक इशू होता है कि
मैं कंटेंट क्या क्रिएट करूं। कंटेंट क्रिएट करने के बाद कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग सर्विसेज या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज तो दे रहे हो, लेकिन अभी तक आपको खुद को मार्केटिंग का फंडामेंटल समझ में नहीं आया। आज के डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो गाइज, ये वीडियो एक मार्केटिंग टूल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरह से वीडियोज आप बना के बहुत जगह यू नो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो एंड यू रन गूगल एड्स फॉर एजुकेशन कंपनीज, आप एक 3 डेज का यू नो 6 आवर्स का फ्री ट्यूटोरियल बना सकते हो, कॉन्सेप्चुअल ट्यूटोरियल, और आप टारगेट कर सकते हो एवरी एजुकेशन कंपनी इन योर टारगेट ज्योग्राफी। जितने लोग भी यू नो डाउनलोड करेंगे दे कंप्लीटली बिकम योर क्वालिफाइड लीड। तो गाइज हम लोग आज के डेट पे अगर आप 2021 में मार्केटिंग कर रहे हो और आप कोल्ड कॉल कर रहे हो, आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके अपना रहे हो। नो नीड टू गो आउट एंड नॉक द डोर पुराने सेल्समैन की तरह। यू हैव टू लर्न द आर्ट किस तरह से हाउ यू कैन अट्रैक्ट देम, किस तरह से आपके कस्टमर्स आपको ढूंढ सकते हैं अपने बाइंग जर्नी के अंदर, किस तरह से आपके कस्टमर आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन देयर बाइंग जर्नी। कोई भी प्रोसेस होता है ना परचेस का, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। लेट से आपको एक कैमरा लेना है, ठीक है, कैमरा लेने के लिए आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, पहले अपने बजट के हिसाब से बोलोगे बेस्ट कैमरा DSLR अंडर 50,000 रुपीज, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, फिर ऑप्शंस को आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर आप यूट्यूब पे जाकर उनकी अनबॉक्सिंग देखोगे, फिर आप जाओगे अपने किसी फ्रेंड सलाहकार से यू नो डिस्कशन करोगे, फिर वापस आओगे अमेजोन पे उसका रेट वगैरह चेक करोगे, फिर आप जाओगे यू नो पास का कोई लोकल शोरूम पे लुक एंड फील टच करके आओगे कैमरा को, फिर अगेन यू विल कम बैक एंड विल ऑर्डर। तो कोई भी प्रोडक्ट या तो कोई भी सर्विस का परचेज होता है ना, देयर इज अ स्पेसिफिक पाथ जिसे मार्केटिंग फनल या तो बाइंग जर्नी बुलाता है। और हमारे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ना ये बाइंग जर्नी बहुत क्रिटिकल होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत क्रिटिकल होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस का बहुत बौछार होता है, आपके कस्टमर्स बहुत सारे रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, वाइट पेपर, चीट शीट्स, न जाने कितने सारे ई बुक्स, कितने सारे चीज रिफर करेंगे बिफोर दे फाइनली ऑन बोर्ड अ एजेंसी, क्योंकि इनके लिए ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि वंस द एजेंसी कम्स ऑन बोर्ड 5-6 महीना उनके साथ काम करना है। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेना है इन ए राइट वे, तो भाई कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मैसेजिंग को राइट तरीके से इस्तेमाल करो टू क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट एंड मेक देम यूज एंड कंज्यूम सम ऑफ आर कंटेंट। आज के डेट पे यू नो आयुर्वेदा इंडस्ट्री के लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री के लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है, डॉक्टर्स के लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये सारे के सारे गाइड बुक्स ब्लॉग्स के फॉर्मेट्स में ना गूगल के फर्स्ट पेज पे हमारे रैंक कर रहे हैं। पता है जब एक बंदा एक पेज रैंक होता है ना गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर, ऑटो पायलट मोड में आप इंक्वायरी जनरेट करोगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, पीपल विल कम टू यू। लेकिन जनरली क्या होता है पता है, कस्टमर्स एंड नो पैटर्न स्टार्ट थिंकिंग कि हम लोग अगर वीडियो बनाएंगे, कॉन्टेंट बनाएंगे, लेट्स से वीडियो बनाने की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि व्हाट माई कलीग्स विल थिंक, ठीक है, क्या मेरे यू नो पुराने स्टाफ मेंबर्स, मेरे नेटवर्क, मेरे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, एंड यू बिकम इनकंसिस्टेंट। गाइज योर बिजनेस इज योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाड़ में गया जनता क्या सोचता है क्या नहीं, इफ यू आर ए मार्केटर यू हैव टू बी शेमलेस। अगर आप शाही हो एंड यू आर थिंकिंग टू बी ए मार्केटर, गो टू बेसमेंट एंड टेक ए स्लीप, यू कैन नॉट, मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू। तो गाइज अपने माइंड सेट को बदलो, मार्केटिंग कैसे होता है उसको समझो, हाउ यू कैन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट मार्केटिंग अम्ब्रेला अराउंड योर बिजनेस एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल इन ए ऑटो पायलट मोड। तो गाइज आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्मार्ट पीपल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, स्मार्ट लोग होते हैं ग्लोबल लेवल पे, वो वैलिडेशन देखेंगे आपको कंसिडर करने से पहले, आपका स्ट्रेंथ चेक करेंगे, आपका पोर्टफोलियो को डाउनलोड करेंगे, आपने क्या क्या काम किया वो सारी चीजों को डाउनलोड करेंगे। तो अपने स्ट्रेंथ को ना स्ट्रांग कॉन्टेंट पे कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोड्यूस करो, डिस्ट्रीब्यूट करो एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स यू गाइज। सो गाइज आशा करता हूँ वीडियो यूजफुल लगा, कमेंट करो, दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री। जितने भी आज के एजेंसीज, IT कंपनीज ग्रो कर रहे हैं ना लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दे आर फॉलोइंग आवर प्रिंसिपल्स, दे आर फॉलोइंग आवर गाइडेंस, दे आर फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर ग्रोइंग। तो गाइज कमेंट करो क्या सीखा, क्या डाउट है, कमेंट सेक्शन को दिल खोल के यूज करते हैं एंड लेट्स डिस्कस। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि है डिजिटल मार्केट एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप।
जहां पे लाइव क्लास के थ्रू हम आपके करियर आपके बिजनेस के साथ वर्क करते हैं, जहां पे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का स्क्रैच रूट लेवल से लेकर के ना एडवांस इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक आप सीखोगे। कोई भी बिजनेस मिल जाए, अगर आप एक एजेंसी फाउंडर हो, अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, कोई भी बिजनेस आपके सामने आएगा ना, हम लोग आपको ऐसा फ्रेमवर्क ट्रेन करेंगे, आप कोई भी बिजनेस का विद इन 30 मिनट्स आप उसका स्ट्रेटेजी बना सकते हो, मार्केटिंग रोड मैप बना सकते हो। इस तरह से पावर पैक के प्रोग्राम को बनाया गया है। अगर आप रियली सीरियस हो गाइस कि मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके बिजनेस में सेल्स नहीं आ रहा है, मार्केटिंग इज द बिग चैलेंज, पीपल डोंट नो यू, देन यू हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक डिसीजन। हाई टाइम है कि आपको डिसीजन लेना है। You have to learn marketing from scratch and you have to take our handholding with a lifetime support. That means 4-5 महीने का जो commando level training होगा ना, ठीक है, with lot of assignments, lot of internship, lot of brainstorming, 4-5 महीने के बाद भी आप अपने startup, अपने business को grow करा सकते हो with our team, with a lifetime access to our consultancy. अगर आप serious हो guys and समझते हो कि life में अगर success पाना है, then you need to have knowledge. Then please click on the link below to download the syllabus and book a counseling directly with us. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot.